शाजापुर में जन अभियान परिषद के तत्वावधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। तो बता दें कि अभियान में शामिल कलेक्टर दिनेश जैन चिल्लर नदी को साफ स्वच्छ बनाने सहयोग किया। तो वहीं सफाई अभियान में नगर पालिका भीमघाट सेवा समिति, जीवाजी क्लब, गायत्री परिवार, देवनारायण सेवा समिति द्वारा वंदे मातरम ग्रुप और आम नागरिकों ने श्रमदान भी किया। ये जो चिल्लर नदी यहाँ पर है शाजापुर में, और ये मतलब शहर की शान कहना चाहिए, शहर का इतिहास, भविष्य सब इस नदी के आसपास ही है। तो आप लोगों के माध्यम से भी और लोगों के जरिए भी ये पता चलता है और हम लोगों को दिखता भी है कि इस नदी में काफ़ी कचरा और गाद इकट्ठा हो गया है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसकी साफ़ सफाई हो जाए। तो अभी हम लोगों ने आज से इसकी शुरुआत की है। हम लोग कुछ नगर पालिका के माध्यम से और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से इसकी अभी सफाई का काम शुरू कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं शहर के और ज़िले के सभी नागरिकों से ये आग्रह करता हूँ कि इस नदी के सफाई अभियान में वो भी अपना योगदान दें। हमारे ज़िले के जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय द्वारा आह्वान किया गया है कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद पूरे शहर में एक आह्वान करें। सामाजिक संगठन, स्वैच्छिक संगठन, धार्मिक संगठन आदि संगठनों से आह्वान करते हुए मानव श्रम के माध्यम से इस नदी का एक सफाई अभियान चलाया जाए और नगर पालिका के सहयोग से इस अभियान को मूर्त रूप देते हुए ये प्रयास किया जाए कि इसका किस रूप से इस सफाई हो सके। ऐसा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद आगे तक इस अभियान को सफल बनाने में लगा हुआ है। डोर टू डोर जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता, भीमघाट समिति के कार्यकर्ता सभी लोग इस प्रयास में हैं कि सभी सामाजिक संगठनों से संपर्क कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे मानव समाज अगर जुटेगा तो निश्चित रूप से यह नदी जो चिल्लर है इसको स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। ऐसा हमारे जिले के जिला कलेक्टर महोदय का आह्वान है।